हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार न्यू व्लॉग में फिर से बहुत 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 सारा स्वागत है। तो कैसे हैं सभी लोग? फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ी सी आवाज चेंज है, तबीयत वैसे तो ठीक हो गई है और लेकिन हल्की हल्की अभी आवाज चेंज है, सर्दी जैसी लग गई है। तो फ्रेंड्स, आज ही मैं दिखाने जा रही हूँ आपको एक छोटा सा गिफ्ट जो बहुत ही प्यारा है और मैंने इसको खोला नहीं है, ये भाई ने दिया था। वैसे तो और भी बहुत कुछ दिया था भाई ने, लेकिन ये छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट भी दिया था। है तो छोटा सा, लेकिन ये है अनमोल गिफ्ट। तो कोई भी हो, महंगा हो, सस्ता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब अनमोल ही होते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा प्यारा सा गिफ्ट है ये, इसको मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। चलो दिखाती हूँ कैसा है ये गिफ्ट। तो ये है इस टाइप का ये कुछ। तो फ्रेंड, देखती हूँ किस तरीके से ये जलता है। अभी पूजा करके आई हूँ तो सोच रही थी कि कुछ खाने से पहले ही इसको देख लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक पूजा जैसा ही है, पूजा के लिए ही कुछ सामान है। तो मैं सोच रही थी कुछ खाने से पहले, झूठा मुंह करने से पहले, आज इसका यूज करके देखती हूँ किस तरीके से ये चलती है और ये कैसी लगती है। तो यही मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी और देखूंगी कि ये कैसी लगती है जलती हुई। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है। फ्रेंड्स, ये है इसकी धूप बत्ती जैसी बनी हुई है, कलर थोड़ा अलग है, ब्राउन कलर की धूप बत्ती है ये। वैसे तो धूप बत्ती ब्लैक ब्लैक होती है। और ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का शिवलिंग। तो इसको मैं प्लेट में रख के, ये मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें इसको रख लिया। अभी इसको जला के देखती हूँ। यहाँ पर एक होल है और इसको ऊपर धूप बत्ती रख के तब जलाते हैं इसको। तो देखती हूँ किस तरीके का है। मम्मी जलाती हैं घर पे, वैसे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो इसको पहली बार ही जलाऊंगी। तो चलो देखती हूँ जला के कैसा लगता है। तो फ्रेंड, जो ये धूप बत्ती है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी सूखी सूखी है, और जैसे सूखा हुआ होता है ना कोई चीज़, लकड़ी या गुस्सा, उस तरह की है। और इसके बीच में भी होल है, जैसे इस शिवलिंग में होल है ना, सेम उसी तरीके का धूप बत्ती में भी होल बनाया हुआ है। और धूप बत्ती है सूखी, वैसे धूप बत्ती थोड़ी सी गीली होती है, लेकिन ये धूप बत्ती सूखी है, शायद इसी की वजह से ये इसका धुआं निकलता होगा। और ये धूप बत्ती शायद अलग से मार्केट में मिल भी जाती होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने माचिस जला ली है। जिस तरीके से हम धूप बत्ती डेली लगाते ही हैं, उसी तरीके से हम इसको अच्छे से सिलगा लेंगे, थोड़ी देर इसको जला लें, जिससे अच्छे से ये जल जाए सिलक के, और तभी इसका धुआं अच्छे से बनेगा। तो घुमा घुमा कर हम इसको अच्छे से पहले सिलगा लेते हैं, और उसके बाद ये धुआं देने लगेगी, उसके बाद इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने धूप बत्ती को रख दिया है। अभी कुछ देर में हम देखेंगे ये जो तीन नलियां जैसी निकाली हुई हैं ना, इन तीनों से धुआं निकलेगा, यानी कि सबसे ऊपर वाली से निकलना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यह धुआं तीनों पर गिरते हुए नीचे जमा हो जाएगा, जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दूध निकल रहा हो, दूध पानी मिक्स सा लगता है। जैसे हम मंदिर में चढ़ाते हैं ना, तो वो एक दूसरे में जाके लगता है तो सुंदर सा लगता है, तो इसी तरीके से ये दिख रहा था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से ऊपर से निकल रहा है और नीचे तक गिरता हुआ जाएगा, तो बहुत सुंदर लग रहा था ऐसा। और बहुत लोगों के घरों में होता भी है, किस किस के घर में है ये बताना, मेरे पास तो था नहीं, मुझे तो ये अभी भाई ने ही दे दिया है, उनके पास रखा हुआ था। तो ये बहुत सुंदर लग रहा, अभी शुरू हो गया है हल्का हल्का धुआं आना, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको बैक कैमरे से भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर लग रहा था।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये गिफ्ट? ये इसमें तीन नली जैसी बनी हुई है, वैसे तो ये शंकर भगवान जी की शिवलिंग है लेकिन इसमें होल है और इसकी वजह से इन तीनों में से धुआं निकल के आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इनमें से ना पानी निकल के आ रहा हो, इसलिए ना बहुत सुंदर लगता है। छोटा सा गिफ्ट है लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये छोटा सा गिफ्ट आप लोगों को कैसे लगा। बहुत ही प्यारा है वैसे तो और बहुत सुंदर लग रहा है। अभी इसको मैं हिला डुला रही हूँ, इस वजह से धुआं इधर उधर हो रहा है। जब ये एक जगह रख के मैंने इसको जला के देखा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो फ्रेंड्स दिख रहा है ना बहुत सुंदर सा, ऐसे लग रहा है जैसे दूध या पानी निकल रहा हो। और जैसे मंदिरों में आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग दूध गंगा जल मिक्स करके चढ़ाते हैं ना, तो इस तरीके से वो जमा हो जाता है। तो सेम उसी तरीके का लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मन खुश हो गया था इसको जला के। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।